हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता चली गया होगा अब तक तो, कि लोको पायलट की जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जोन वाइज कहाँ पर कितनी वैकेंसी बढ़ी है उसकी लिस्ट आ गई है। और इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी दिया है कि अभी आपका जो वेबसाइट है इसको एडिट करने का वो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो, मतलब कि अगर आपको नीड नहीं है जोन को फिर से सेलेक्ट करने की तो आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको नीड है कि मैं अपना जोन फिर से रिसेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप इसको संशोधित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 10 दिन का केवल टाइम मिलेगा। अभी उम्मीद है कि जो वेबसाइट है वो 2-3 दिन में ओपन हो जाए जब आप इसको एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो केवल 10 दिन का टाइम मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप इन 10 दिनों में इसको एडिट कर लें, अपना जोन रिसेलेक्ट कर लें। लेकिन कौन सा जोन सेलेक्ट करें ये एक समस्या आती है। फिर आप यूट्यूब वगैरह पे काफी सारे वीडियोज देखोगे कि ये वाला जोन सही है, वो वाला जोन सही है। तो फिलहाल में वैसे जो अभी फिलहाल में जो टॉप जोन्स हैं, पहले भी बिलासपुर सबसे पहले नंबर पे था और अब भी यहाँ पर 4,500 के करीब वैकेंसीज हो गई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा उसके बाद सिकंदराबाद में आप देखोगे यहाँ पर, तो सिकंदराबाद में 1863 आपका साउथ कोस्ट और ईस्ट कोस्ट रेलवे में आप देख सकते हो कि 665, यानी इतनी वैकेंसीज यहाँ पर हो गई हैं, लगभग 2,500 के करीब तो वैकेंसीज यहीं पर हो गई हैं। तो ये आपका सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद आप देखोगे तो मुंबई, मुंबई में आप देखोगे तो 3 ऐसे डिविजन्स हैं जहां पर आपको 1321, 338 और 86 ऐसे करके वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से थर्ड नंबर पे आई थिंक यही है। उसके बाद आप देखोगे फोर्थ नंबर पे तो ये आपका जो बेंगलोर है यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, 1576 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ एक और रह गया कोलकाता आपका है, यहाँ पर टोटल 1100 के करीब वैकेंसीज। ये जो डिविजन्स हैं इनको आप एक जोन बोलोगे, ठीक है, यानी आपको जोन जो मिलेगा वो कोलकाता सेलेक्ट करने को मिलेगा, मुंबई सेलेक्ट करने को मिलेगा, तो उसमें ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। ठीक है, जो मुंबई में आपको दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो सिंपली कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं। यहाँ पर 937 वैकेंसीज हो गई हैं अहमदाबाद में और अजमेर में 761। तो ये ऐसी वैकेंसीज है जो एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है, न कम है न ज्यादा है। जैसे यहाँ पर भोपाल में 800 वैकेंसीज हैं और भुवनेश्वर में देखिए 930 वैकेंसीज है। यहाँ पर भी काफी भीड़ हुआ था पिछली बार, मतलब पिछली जो वैकेंसी आई थी, अभी जो मतलब ओल्ड वाली थी, उसमें काफी यहाँ से फॉर्म पड़े थे। ऐसे ही आपका बिलासपुर आपने देखा, उसके बाद चंडीगढ़ है 324, फिर चेन्नई 493 और गोरखपुर, जो मतलब लोग सेलेक्ट करना चाहते थे, यूपी बिहार, खास तौर से यूपी बिहार एमपी और ये जो वेस्ट बंगाल के हैं, यही लोग ज्यादा कंपटीशन बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इनकी जो सोच होगी वही डिपेंड करेगा कि कहाँ पर कौन सा जोन में सबसे ज्यादा भीड़ होने वाला है। बाकी आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखोगे कि नहीं ये वाला जोन सेलेक्ट करे, ये वाला ना करे। देखिए पटना में तो बिल्कुल वैकेंसीज बढ़ी ही नहीं है, मतलब इतना अन्याय है पटना वालों के साथ। ये तो कहिए कि अब रिसेलेक्ट करने का मौका मिल गया, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फॉर्म पड़ेगा ही नहीं, मतलब ना के बराबर पड़ेगा। तो कोई ट्रिकी अगर खेलना चाहता है कि नहीं इसी जोन को मैं भर दूं, जैसे जिसको जॉब से मतलब नहीं है, ऑलरेडी जॉब में है पहले से ही, वो चाहता है कि मैं रेलवे में चला जाऊं, तो पटना से आराम से भर सकता है। यहाँ पर ना के बराबर पड़ेंगे फॉर्म, कोई भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें प्रयागराज में, काफी सारे लड़कों का मन था प्रयागराज में भरने का, तो वहां पर भी अब लगभग 800-900 के करीब वैकेंसीज हो गई हैं, जो कि एक एवरेज वैकेंसी है। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि नहीं हम देखें कि कौन क्या कह रहा है, कि यहाँ से फॉर्म भरे कि वहां से भरे। सिंपल शांत मन से थोड़ा बहुत अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे डिस्कस करिए और चुपके से अपना फॉर्म भर लीजिए कि मुझे ये भरना है। ठीक है, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आपके अंदर है पोटेंशियल कि आप सोच सकते हो कि कौन सा मैं एक जोन को सेलेक्ट करूं, राइट। तो ठीक है, ये आपके टोटल वैकेंसीज बढ़कर के 8,799 हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ ऐसे जोन है जैसे सिलीगुड़ी, जिन पे लोगों का कम ध्यान जाता है, मतलब जिसको चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए, चाहे वो कोई सा भी जोन मिल जाए, मुझे अपने लोकेशन की जरूरत नहीं है, वो सिलीगुड़ी को भर सकता है। 87 ही वैकेंसी है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा फॉर्म पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके वैसे जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है ठीक उसका उल्टा हो, है कि नहीं। तो यूट्यूब पर कोई भी कुछ बता नहीं सकता, कोई एकदम एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा भगवान नहीं है कि नहीं बता देगा कि वही जोन आप सेलेक्ट करो वही हो जाएगा। तो आपको अपने मन से सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा मन को शांत करके। अभी तक तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब ये फिर से जोन सेलेक्ट करने के लिए आपको लगा दिया गया, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करिए और एक ऑन एन एवरेज देख लीजिए कि यहाँ पर वैकेंसीज ठीक ठाक है, और वहाँ पर चुप मार कर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए।
बाकी जो होगा वो आगे देखा जाएगा। और बेसिकली आप देखिएगा कट ऑफ, पिछला कट ऑफ कितना गया था कहाँ का, ठीक है, वो ज़्यादा मायने रखता है, कितनी वैकेंसीज थी और कितना कट ऑफ गया था, यही एक फैक्टर हो सकता है जिससे आप जोन को सेलेक्ट कर सकते हो। और तो मुझे कोई फैक्टर नहीं दिख रहा जिससे आप जोन को सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगाओ, ठीक है, वैकेंसीज बढ़ गई हैं, आराम से आप कोई एक एवरेज सा देख करके जोन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर जोन को सेलेक्ट करिए, लेकिन प्रिपरेशन अपना जारी रखिए। चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।